हाई गाइज, आई एम अन्वेषा मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो रेड बटन है उस पर क्लिक कीजिए और बाद में जो घंटा है ना, दैट बेल, क्लिक ऑन दैट सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। मैं वीडियोज़ मंडे, वेंसडेज एंड फ्राइडेज पोस्ट करती हूँ। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे शेविंग की। नाउ वेरी ऑनेस्टली आई प्रेफर गोइंग टू पार्लर फॉर वैक्सिंग, क्योंकि मुझे लगता है कोई और कर दे रहा है तो जल्दी फटाफट कैसे भी हो जाती है। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि आई डू नॉट हैव द टाइम टू गो टू द पार्लर एंड देन आई एम हैरी और मुझे कहीं जाना है और मैं कुछ ड्रेस मुझे पहनना है वो मैं पहन नहीं पा रही। आई एम श्योर ये बहुत लड़कियों के साथ होता है। मैं तो जानती हूँ करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा हर रोज़ कि हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, जरा सर्टेन ड्रेसेस हम पहन नहीं पा रहे क्योंकि वी आर हैरी। या मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू स्पोर्ट हेयर, कूल ब्रो, कूल, बट मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। सो इसलिए मैं अब क्या करती हूँ ताकि मुझे हैसल फ्री टाइम, मतलब टाइम तो 5 मिनट से ज़्यादा मेरे पास कभी होता नहीं है अगर कहीं मैं एक हड़बड़ी में हूँ तो। और मैं कैसे, हाउ डू आई रिमूव माई हेयर? ऑफकोर्स शेविंग, आप जाओगे बाथरूम में और शेव करोगे, उसमें आप क्या करते हो, बहुत बार हम क्या करते हैं जब हम नहाते हैं तभी शेव कर लेते हैं, या तो साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, वो भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और फिर बाथरूम में जाके फिर नहाने के टाइम करो, बहुत बार होता है कि नहाने के भी टाइम नहीं है और आपको फटाफट निकलना है कुछ भी ड्रेस पहन के, अच्छा एक ड्रेस पहन के, एंड यू हैव हेयर, अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल के साथ आप फटाफट कैसे क्लीन शेव कर सकते हो, मतलब कहीं भी हेयर हो, शायद पैरों में हो, हाथों में हो। मैंने इस पर एक वीडियो पहले बनाई थी, अपने हाथों पे डेमोन्स्ट्रेट किया था मैंने कैसे हैसल फ्री नीट एंड क्लीन शेव होता है। हमने आजकल यूट्यूब पे और इंस्टा पे बहुत एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिलेट वीनस ब्रीज कुछ प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी यू हैव दैट जेल, ताकि वो अप्लाई करके आप फटाफट यू कैन यूज़ इट। तो मैं कहती हूँ उसके लिए अलग से क्या 100 कितने का आता है, 140, 20, 200 पता नहीं कितने का आता है, अलग से उसको ऊपर पैसे ना वेस्ट करें। आपके घर पे एलोवेरा जेल हम श्योर होएगा, आजकल सबके घर पे एलोवेरा जेल अवेलेबल होती है, उसको ही बस लगा लो और अपना रेजर उस पर मार दो, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर होता है और आपको बाथरूम में जाके करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के भी ये कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, बस एलोवेरा जेल के क्लेयर लगाइए, देन जस्ट यू नो पुट योर रेजर राइट इन द डायरेक्शन, फिर उसको अपने टिश्यू पेपर के साथ वाइप कर दो, वेट वाइप के साथ, और सिमिलरली अपने रेजर को भी वाइप कर दो। यू आर सेट एंड डन, कोई हासिल नहीं, कुछ नहीं, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी अपने टांगों पे, हाथों का मैंने पहले बना के रखा है वीडियो। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमको बहुत बार लगता है कि इचिंग होती है, फिर स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, कुछ नहीं होता, बहुत स्मूथ, सॉफ्ट और अच्छा फीलिंग आता है एलोवेरा जेल के साथ करने के बाद। इतना अच्छा होता है कि आप आफ्टर शेविंग यू नॉट हैव टू गो फॉर अ सेपरेट लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन, ट्रस्ट मी, इट्स सो स्मूथ। सो आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट एंड शो यू हाउ आई डू इट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और ये वीडियो को प्लीज देखते रहे। तो एक अच्छे से लेयर एंड कोट ऑफ एलोवेरा जेल लगाइए जहाँ पर आपको हेयर रिमूव करना है। मैं बस एक ही जगह पर दिखाऊंगी और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ पे आपको रेजर चलानी है। इससे बाल जल्दी से कट जाती है इजीली, जैसे आप देख सकते हो। और इससे इनग्रोन हेयर के प्रॉब्लम में भी बहुत फ़र्क होता है, स्किन बहुत स्मूथ होती है। अब जब हो गया इसके बाद आप वेट वाइप से इसे पोंछ लीजिए, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। आपको बाथरूम में करने की ज़रूरत नहीं, या करके आप ऐसे ही एज इट इज़ निकल सकते हो। स्किन इज़ वेरी स्मूथ एंड हेयर इट इज़। आप इसको चाहे तो धो लो या फिर वेट वाइप से साफ कर लीजिए। यू कैन डू दिस एंड इनग्रोन हेयर प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो देखा आपने दोस्तों कितना आसान होता है और कितना हैसल फ्री एंड मेस फ्री एंड एफर्टलेस होती है और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो बस बेसिकली वेट वाइप से आप धो लो और कोई साबुन या बाथरूम में जाकर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो और मतलब ऐसे ही बैठे हो, बैठे चेयर पर भी कर सकते हो, वेट वाइप बस साथ में रखना एंड स्कूप आउट, यू आर डन, दैट्स हाउ डू डू इट, हाउ ईजी इट इज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और नीचे ज़रूर कमेंट करें कि आपने ये प्रैक्टिस पहले ट्राई किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट करें एंड जस्ट लेट मी नो हाउ योर डे गोज एंड आई विल सी यू ऑन मंडे अगेन। बाय एंड टेक केयर, आई लव यू ऑल।